नमस्कार दोस्तों, गेट फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर हम बात करेंगे गेट 2016 में 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन इसके बारे में, जो कि सेट 1 में आया था। शायद इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए हाइपोथेटिकल इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व शोन इन फिगर हैज 3 स्ट्रेट लाइन पी क्यू क्यू आर एंड आर एस विद द कोऑर्डिनेट P इज इक्वल टू 0 0, Q पर है 0.2 एंड 100, R 0.6 एंड 140, S 0.8 एंड 130, Q इज द यील्ड पॉइंट। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? यील्ड पॉइंट। R इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट एंड S इज द फ्रैक्चर पॉइंट। द टफनेस ऑफ द मटेरियल इन मेगा जूल पर मीटर क्यूब क्या रहेगी, ये आपको निकालना है। अब जैसा कि यहाँ पर जानते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेस जो कि आपकी मेगा पास्कल कह लें या मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं इसको, इसमें चल रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टफनेस क्या होती है, टफनेस की डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चरिंग। दूसरी डेफिनेशन है, वन डेफिनेशन ऑफ मटेरियल टफनेस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट ए मटेरियल कैन एब्जॉर्ब विदाउट रप्चरिंग एंड फ्रैक्चरिंग। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द मटेरियल्स रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर वेन स्ट्रेस। ये 3 अलग अलग तरह की डेफिनेशन दे दी गई है, पर हम यहाँ पर ध्यान दें मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें। जैसे कि ऊपर की डेफिनेशन में हम बात कर रहे हैं तो एबिलिटी मटेरियल की कितनी है कि एब्जॉर्ब एनर्जी कर ले और एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चरिंग, ठीक है। दूसरी हम मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर हम देखें, मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, टफनेस कैन बी डिटरमाइंड बाय इंटीग्रेटिंग द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इट इज द एनर्जी ऑफ मैकेनिकल डिफॉर्मेशन पर यूनिट वॉल्यूम प्रियर टू फ्रैक्चर। यानी जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमारा है उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये हमारा क्या हो जाएगा, टफनेस को डिनोट करेगा। तो और ये टफनेस ही हमारी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हमने इंटीग्रल के रिस्पेक्ट में आपको बताया है कि जैसे आप किसी भी बॉडी की टफनेस निकालना चाहते हैं अप टू फ्रैक्चर पॉइंट तक, ई एफ स्ट्रेन तक निकालना चाहते हैं, तो आप इस इंटीग्रल का यूज करेंगे। वेयर एप्सिलॉन इज द स्ट्रेन और एप्सिलॉन एफ इज द स्ट्रेन अपॉन फेलियर और सिग्मा इज द स्ट्रेस। अब चलिए इस क्वेश्चन पे चल लेते हैं। इस क्वेश्चन पे यहाँ पर मैंने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और एरिया ऑफ ट्रायंगल के 2 फिगर भी रख दिए हैं। यहाँ पर एरिया निकालने के लिए ज़रूरत इनकी पड़ेगी। तो जैसा कि मैं देखता हूँ इस फिगर को मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। फिगर तो सामने आपके बना ही है, लेकिन इस फिगर को मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। हम इधर 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो फिगर दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यानी जो पहला पॉइंट है आपका P से लेके हम Q तक जा रहे हैं, यानी ये पॉइंट मैं कर लेता हूँ क्यू, उसके बाद ये R और उसके बाद ये S और यहाँ पर हमारा ये फेलियर हमारा हो गया। अब जरा यहाँ ध्यान देखिए, इन फिगर्स को मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। अब कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए P जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 0 और 0 थे, जबकि Q के कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं 0.2 और 0 है। यानी 0.2 मैंने यहाँ पर लिख लिया और 100 ये 100 यहाँ पर लिख लिया, यानी मैं 100 इधर ही लिख देता हूँ, उसको थोड़ा आसान रहेगा। और R पर देखिए कोऑर्डिनेट 0.6 और 0 है, तो ये 0.6 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 0.6 और 140 है सॉरी, तो R पर 140 मैंने वर्टिकल कोऑर्डिनेट लिख दिया। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेस चल रहा है और यहाँ पर स्ट्रेन चल रहा है। S पर आप कोऑर्डिनेट देखें 0.8, यानी 0.8 यहाँ पर फ्रैक्चर हो जा रहा है और S पर कोऑर्डिनेट है 130, वर्टिकल जो कोऑर्डिनेट है वो 130 है।
यहाँ पर अब आप देख रहे हैं ये ट्राइंगल आपका बन गया, ये ट्रेपेजियम और ये भी ट्रेपेजियम बन गया। ठीक है, ट्रेपेजियम में आप देख लीजिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जब भी आप निकालेंगे तो ये हो जाता है एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा हो जाएगा ए प्लस बी दोनों की जो बेसिस हैं डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई एच। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैं इसको इस तरीके से कंसीडर करूंगा, ए जो कि आप यहां से यहां तक की लेंथ देख रहे हैं 100 और बी जो कि यहां से यहां तक की लेंथ देख रहे हैं 140 और जो हाइट है एच वो है 0.6 माइनस 0.2। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं इसकी बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, जैसे कि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी दिखी लिख रखी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेस हमारा है 0.2। अब यहाँ पर देखिए 0.2 आपका परसेंटेज में है, तो परसेंटेज को आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए 0.2 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय और ये हाइट इसकी आ रही है ट्राइंगल की 100। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 0.1। सेकेंड आप बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब यहाँ पर दो ट्रेपेजियम दिख रहे हैं, एक 1 और इसको 2 ले लेते हैं, तो ये मैं पहला ट्रेपेजियम ले लेता हूँ ए। ठीक है, आप इस ट्रेपेजियम को इस तरीके से कंसीडर कर लीजिए, ट्रेपेजियम को ए जो हाइट है वर्टिकल हाइट ए है 100 और प्लस जैसे कि आप इस फॉर्मूले को देख रही हैं, और दूसरी जो बी है बी हमारी है 140 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय एच। एच यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.6 में से 0.2 माइनस हो जाएगी यानी 0.4 हो जाएगा और स्ट्रेन हमारी परसेंटेज में है तो 100 से आप डिवाइड कर लीजिए और आंसर आ जाएगा आपके पास 0.48। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2 की बात करूं तो यहां भी इसी तरीके से हमारे को कैलकुलेट करना है। और जैसे कि मैं बता दूं इस एरिया 2 का भी ट्रेपेजियम की अगर हम बात करें तो एरिया को इसी फॉर्म में ले ले, ए हो गया ये बी हो गया और ये एच हो गया। तो ए जो लेंथ है आपकी वो डायमेंशन जो है वो 140 है और बी जो डायमेंशन है वो आपकी 130 है प्लस 130 डिवाइडेड बाई 2 जैसा कि आपको ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला दिख रहा है और मल्टीप्लाई बाय एच। एच हमारा डिस्टेंस है 0.8 से लेके 0.6 तक के बीच में, ये डिस्टेंस हमारा हो गया इस ट्रेपेजियम के लिए एच और इस ट्रेपेजियम के लिए एच हमारा हो गया ये। तो एच हमारा डिस्टेंस अगेन 0.4 हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रेन है तो 100 से आप डिवाइड कर लीजिए और ये वैल्यू आ जाएगी 0.27। अब तीनों का अगर मैं सम कर दूं तो एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यानी हमारा जो टफनेस है वो हमारे को मिल जाएगा और ये टोटल एरिया हो जाएगा 0.1 प्लस 0.48 प्लस 0.27 जो कि हो जाएगा आपका 0.85। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और यहां पर स्ट्रेस की डेफिनेशन आपको दिखेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन की कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है और यहां पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मीटर क्यूब के फॉर्म में आ जाएगी, जूल पर मीटर क्यूब के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। सिमिलरली जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है ये हमारी आ रही है मेगा पास्कल में, ठीक है, या जो डायमेंशन आपको आती हुई दिखेगी मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ रही है और मीटर से मीटर का डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू मेरी बन जाएगी 0.85 मेगा न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब और इसी को कह सकते हैं मेगा जूल पर मीटर क्यूब।
यही आंसर आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ पर मेगा जूल पर मीटर क्यूब में लिखा हुआ आंसर, तो ये हो जाएगा 0.85 मेगा जूल पर मीटर क्यूब, ये ही आंसर हो जाएगा। दूसरा, इसको अगर ट्रेपेजियम के द्वारा अगर सॉल्व नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपको इस फिगर में बता देता हूँ, इस फिगर में एक ट्राइंगल आपका ये हो जाएगा और ये ट्रेपेजियम था और ये भी ट्रेपेजियम था। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये और ये, यहाँ पर ट्राइंगल आपके 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3 और स्क्वायर 1 और स्क्वायर 2, इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर आप निकाल सकते हैं और आंसर भी आपका 0.85 ही आने वाला है इस तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो आप जान लीजिए कि टफनेस जब से आपसे जब भी पूछा जाए तो ये होता है एरिया ऑफ टेस्टिंग कर्व। थैंक यू वेरी मच, और नए वीडियोस में डालता रहूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।